तो बच्चों इतना तो पता है ना कि अपन लोग क्लिस्ट्रॉन पढ़ रहे हैं, और क्लिस्ट्रॉन के अंदर भी मैंने आपसे कहा था कि दो तरह के क्लिस्ट्रॉन हमें पढ़ने हैं। पहले हम पढ़ेंगे टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, दूसरी बार हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। और ये बात भी मैंने आपसे कहा था कि रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन और टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन में से हर बार फ्रिक्वेंटली एक तो आता ही है, ठीक है। चलिए, क्लिस्ट्रॉन और या फिर जो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं माइक्रोवेव ट्यूब्स, ये जो है ट्यूब्स क्या काम आती है, एम्पलीफाई करने के, माइक्रोवेव को एम्पलीफाई करती है ये ट्यूब्स, ठीक है। तो ये एम्पलीफाई डिवाइसेस कहलाते हैं। एम्पलीफाई करने के बहुत तरीके होते हैं, कुछ प्रोसेस अलग अलग होती है एम्पलीफाई करने के इनकी। तो इन प्रोसेसेस में ना जो एक कॉमन प्रोसेस है वो है मॉड्यूलेशन प्रोसेस, और वही मॉड्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू एम्पलीफिकेशन यहाँ पे होता है। तो एक बार मैं आपको कल का दोबारा एक बार रिवीजन या फिर पढ़ा दूँ दोबारा, ताकि आपको हो जाए कि भैया क्या क्या आगे क्या करना है। तो सुनो, ये कल वाली स्लाइड्स थी, तो यहाँ समझना मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या होती है, क्लिस्ट्रॉन क्या होता है। जस्ट लोडिंग द स्लाइड्स एंड देखो, ये हमारे पास टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ठीक है ना। टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन के अंदर ये कुछ चीजें थी जो मैंने कल समझाई थी, आज फिर समझा दे रहा मैं आपको ताकि दिक्कत नहीं हो। मेनली क्लिस्ट्रॉन के पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ये वाला, जहाँ पे मॉड्यूलेशन प्रोसेस होती है ना, वो ये वाला पार्ट है जहाँ पर आपको मॉड्यूलेशन प्रोसेस देखने को मिलेगी या फिर एम्पलीफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दो ग्रिड लगे होते हैं, है ना। ग्रिड मतलब कि एक तरह से स्तंभ होते हैं, स्तंभ, उनके बीच में कैविटी होती है, खाली स्थान, और इन ग्रिड को बोलते हैं बंचर ग्रिड। क्यों बोलते हैं बंचर ग्रिड, क्योंकि यहाँ पर बंचिंग प्रोसेस होती है। अब ये बंचिंग प्रोसेस क्या होती है, वही मैंने कल समझाया था लास्ट में, बंचिंग प्रोसेस क्या होती है, और इसी के अंदर होता है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि पहला जो ग्रिड है या फिर पहली जो कैविटी है, इसे बोलते हैं फर्स्ट कैविटी, जिसे बोलते हैं बंचर कैविटी। तो यहाँ पर होता है आपका सर एम्पलीफिकेशन स्लाइड प्रोसेस, शो ठीक है। कैसे होता है, इस आरएफ सिग्नल की वजह से, इस एक्स्ट्रा वोल्टेज की वजह से, ये जो मैं इनपुट सिग्नल देता हूँ ना यहाँ पे, इस इनपुट सिग्नल की वजह से यहाँ पर जो है ये प्रोसेस होती है एम्पलीफिकेशन की, ठीक है ना। और यहीं पर जो होती है, इसकी वजह से जो होता है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है। दूसरा ये होता है कैचर कैविटी, जब आपका सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है या फिर उसमें वेलोसिटी मॉड्यूलेट हो जाती है ना, तो फिर इसमें कैचर कैविटी के थ्रू उसको कैच कर लेते हैं। और ये जो इनपुट सिग्नल आपने आरएफ सिग्नल एक्स्ट्रा दिया है ना एम्पलीफाई करने के लिए, उसे फिर यहाँ से वापस से आउट कर लेते हैं, मतलब इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट कैविटी बोलते हैं। तो उस सिग्नल को हम वापस से क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं केचर ग्रिड के थ्रू, आरएफ सिग्नल को या फिर वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, ओ जो आपने फ्रिक्वेंसी दिया है। इसके बीच में एक खाली स्थान होता है जिसे बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पेस। ड्रिफ्ट स्पेस में कुछ भी नहीं होता, केवल इलेक्ट्रॉन रन करते हैं और कुछ भी, ना तो कोई मॉड्यूलेशन होता है, ना कोई उनमें वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। वेलोसिटी के इंक्रीमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो सेम वेलोसिटी के होते हैं वो एक जगह जाके इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन आके भर गए जो तेज वेलोसिटी के थे, तो उनकी एक कम्युनिटी बन जाती है, एक उनका बंच बन जाता है, और उस बंच की वजह से इसको बोलते हैं बंचिंग, बंचिंग ग्रिड बोलते हैं इसको। बंचिंग ग्रिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन्स स्लाइड ने तो नहीं हो रही है सर। अपनी वेलोसिटीज को बढ़ा के और एक ग्रुपिंग तैयार कर ली है, सर स्लाइड शो नहीं हो एक रही ग्रुपिंग तैयार कर ली है, इसीलिए इसका नाम क्या है, बंचिंग कहलाता है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, एक बार इसको फटाफट से रीड आउट कर लो। ये सब आपको मैंने वैसे कल समझा ही दिया था कि ऊपर पढ़ा भी दिया कि क्या क्या ये कंसिस्ट करता है, जो टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन है
उसमें क्या क्या चीजें होती है वो सब आपको ऊपर दिखा दी, और ये लिखा भी है उसके बारे में। सर स्लाइड शो नहीं हो ये रही। एक तरह से कंस्ट्रक्शन हो गया और कुछ नहीं है। और देख लो नीचे आ जाओ, ये सब आप लिख सकते हो, मतलब यूट्यूब से मैंने वहां पे डाल दिया है, तो आप एक बार देख लेना स्लाइड वो। ये देखो ये सब है, ये पूरा जो सिस्टम है वैक्यूम में रखा होता है, क्योंकि वैक्यूम बहुत जरूरी है इस चीज के तो लिए, ठीक है ना। सर और दूसरा ये कि जो है बाहर से कनेक्शन के लिए अपन को अक्षय सर आप थ्रेडिंग सुन करनी रहे पड़ती हैं है बाहर, ताकि सर आप प्लगिंग वगैरह आप कर बोल पाओ। रहे दूसरा ये अक्षय सर जो आप भी बता समझाया मैंने दें आपको, ये सब लिखा हुआ है उसमें, ऑपरेशन में भी लिखा हुआ है, देखो सर इसको स्लाइड एक शो नहीं बार हो रही है रीड आउट कर लो। बाकी तुम अभी आज कुछ मत लिखो, एक काम करो, सब कुछ आप एक काम करना, ये इतनी जगह छोड़ देना, ये YouTube से आप लिख लेना, आपको वहां पे आराम आराम से मैंने रिकॉर्डिंग करके डाला हुआ है। हेलो, गुड मॉर्निंग। ओह जस्ट वेट, मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ, रुक जा। तो तुम लोग ऐसे, तुम्हारे माइक में ऑप्शन नहीं है क्या? सर है ना माइक पर आपको सुनाई नहीं दे रहा। तुमने मुझे बोला ही नहीं। बहुत बार बोला था सर ने। ओके अब दिखेगी। एक तो ये पता नहीं क्या ही समस्या थी, अब दिख रही है तुम्हें विजिबल है स्क्रीन नाउ? स्क्रीन इज विजिबल नाउ? चलो ठीक गुड। तो मतलब मेरे कंप्यूटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वैसे तुम्हारी जो आवाज़ है वो मुझ तक पहुंच नहीं पा रही थी। ठीक है अब क्लियर है वैसे। तो वापस देखो, मैं जो तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ वापस देख लो यहाँ पे, अब तुम्हें शायद स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। तो इन शॉर्ट जो मैंने बोला वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि एम्पलीफिकेशन करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन की बंच या फिर बारिश करते हैं, और एनोड उसे अट्रैक्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन बीम को, क्योंकि ये नेगेटिवली होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है। केवल एनोड का इतना सा काम है कि इसको, इस बीम को डायरेक्शन प्रोवाइड करवानी है, तो वो डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। फिर वो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो बंचर ग्रिड में जाता है, बंचर ग्रिड में जाएगा तभी जाके वो वहां पर मॉड्यूलेशन प्रोसेस देगा और वेलोसिटी मॉड्यूलेट होगा, क्योंकि यहीं पर उसका एम्पलीफिकेशन चलता है। क्यों होता है एम्पलीफिकेशन? क्योंकि यहाँ से आप इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करवाते हो, जो एक आरएफ सिग्नल होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, एक वोल्टेज होती है जो हम यहाँ से डालते हैं। कैसे डालोगे? मैंने क्या कर रखा है, ये जो ग्रीन लाइन लगा रखी है ना, ये इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट, इनपुट मतलब सॉरी बाहर से कनेक्ट करती है सिग्नल को। तो ये जो लाइन है इसके थ्रू हम सिग्नल प्रोवाइड करवाते हैं, इस सिग्नल से इसका क्या होता है, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, मतलब वेलोसिटी बढ़ती है। फिर वो वेलोसिटी मॉड्यूलेटर इलेक्ट्रॉन एक जगह जाके कहीं ना कहीं ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं या बंच बना लेते हैं, जब जब उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो उसे बोलते हैं बंचिंग प्रोसेस। फिर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते सारे एक ग्रुप की फॉर्म में, और ये बीच में होता है ड्रिफ्ट स्पेस। ड्रिफ्ट स्पेस मतलब खाली स्थान जहां पे वो भागते हैं, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें वो भागते हैं इलेक्ट्रॉन, और भागते हुए कहाँ पहुँचते हैं, कैचर ग्रिड में। कैचर ग्रिड का काम केवल इतना होता है, वो कैच करता है, और जो सिग्नल आपने यहाँ पे चिपकाया था ना इलेक्ट्रॉन साथ, वो चिपका हुआ सिग्नल को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि आउटपुट
है, आउटपुट कैविटी है, तो इस आउटपुट कैविटी से सिग्नल बाहर निकल जाते हैं और फिर एम्पलीफाइड बीम जो है उसको हम कलेक्टर पर कलेक्ट कर लेते हैं। केवल इतनी सी एक प्रोसेस है जो इसके अंदर होती है। अब मेन प्रोसेस जो है बंचिंग की, वो कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने मेन प्रोसेस बताया ना कि बंचिंग प्रोसेस कैसे होती है, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन कैसे होता है, तो वो हम आज पढ़ने वाले हैं। बाकी ये स्ट्रक्चर तो मैंने लिख ही दिया, ये देख लो ये सब चीज़ें लिखी हुई है, जो जो मैंने बोला हुआ है कि क्या क्या इसके अंदर होता है, इस डायग्राम में क्या क्या लिखा हुआ है, इसके कंस्ट्रक्शन सारा कुछ लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या यूज में आता है सब लिखा हुआ है। ठीक है, फिर भी एक बार उसको समझने के लिए तुम देख लेना वो वीडियो, है ना, वहां पे सब चीजें कल समझाई हुई है। अब जो मेरा मेन उद्देश्य है बंचिंग प्रोसेस के बाद में वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, वो समझो कैसे होता है। यहां पे आ जाओ, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, बस केवल आज इतना ही पढ़ेंगे अपन, क्योंकि ज्यादा तुम कल वाला एक बार जब तक पूरा समझ के नहीं आओगे ना, तब तक तुम्हारे मैथमेटिकल में इतना दिक्कत आएगी। देखो हम लोगों ने किया क्या, इलेक्ट्रॉन बीम निकाली इलेक्ट्रॉन गन से, एनोड को एनोड के थ्री उसको अट्रैक्ट किया और एक्सेलरेट कर दिया। सो द एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू द एनोड गैप। पासिंग थ्रू द एनोड गेप, तो एनोड ने उनको अट्रैक्ट किया, फिर वो एनोड से होके बाहर निकले इनटू अ रीजन बिटवीन, कहाँ जाएंगे फिर वो, वहां से बाहर निकले कहाँ जाएंगे वो, इनटू अ रीजन बिटवीन द पेयर ऑफ पंचिंग ग्रिड्स, पेयर ऑफ बंचिंग ग्रिड्स, कहाँ गए वो, बंचिंग ग्रिड में पहुंच गए, मतलब फर्स्ट ग्रिड जो है आपका, मतलब जो फर्स्ट कैविटी है, टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन की फर्स्ट कैविटी कौन सी होती है, बंचिंग कैविटी होती है, अक्रॉस विच, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या डाल रखा है, एक सिग्नल डाल रखा है जिससे हमें वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रोसेस करनी है, और वो सिग्नल है आरएफ सिग्नल, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, अक्रॉस विच रेडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज, ये वोल्टेज आपने बाहर से अप्लाई कर रखी है ताकि आप उसको थोड़ा सा और एम्पलीफाई कर पाओ। आरएफ वोल्टेज होती है वी नोट साइन ओमेगा टी, जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है, ये आरएफ वोल्टेज कहलाती है, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एग्जिस्ट, ये वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इधर एक्सलेटेड और डी एक्सलेटेड। अब इसकी वजह से या तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है जो आ रहा है एक्सलेट होके, वो या तो और ज्यादा एक्सलेट हो जाएगा या फिर डी एक्सलेट हो जाएगा, इसकी वजह से दोनों ही कंडीशन पॉसिबल होगी।
ठीक है, अक्रॉस विच आर एफ वोल्टेज एग्जिस्ट ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स आर ड्यू टू विच जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर ईदर मतलब आइदर जो भी बोलते हो आप, वैसे इसको ईदर ही बोलते हैं नॉर्मली, आइदर एक्सलरेटिंग, या तो वो एक्सलेट हो जाएंगे मतलब या तो उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और डी एक्सलेट या फिर उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। दोनों ही कंडीशन पॉसिबल होती है आरएफ सिग्नल की वजह से। और ये किस पर डिपेंड करती है? डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द साइकिल, डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द साइकिल एंटरिंग ड्यूरिंग द एंटरिंग ड्यूरिंग विच द क्रॉस द गैप, एंटर इन द गैप, एंटर इन द गैप ड्यूरिंग विच इलेक्ट्रॉन क्रॉस द गैप, इलेक्ट्रॉन क्रॉस द गैप। ये तुम शायद समझे नहीं होंगे, मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो रफ में समझाऊं, इधर देखो, ये हमारा एनोड था जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, फिर कहां गया? वो इस कैचर कैविटी में चला गया, बंचर कैविटी में। तो जैसे वो बंचर कैविटी में गया, अब यहां से निकल रहा है बेचारा आराम से, ठीक है, आपने उसी वक्त एक रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल डाल दिया, ये एक साइनोसोइडल सिग्नल होता है। तो मैं एक साइकिल बना रहा हूं बस, इसका केवल एक साइकिल इस तरह का, ये डाल दिया आपने। अब समस्या ये है कि इस वेलोसिटी की एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉन वहां से गुजर रहा है उस वक्त इस सिग्नल का कौन सा पार्ट एंटर मार रहा है इस गैप को। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से गुजर रहा है और सिग्नल का ये वाला पार्ट एंटर मारा, पॉजिटिव पार्ट मतलब ये वाला पार्ट एंटर मारा, तो फिर इस पार्ट के पास में वैसे ही बहुत एनर्जी होती है, तो वो क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा मतलब एक्सलरेट कर देगा। गलती से अगर ये वाला पार्ट एंटर मारा जिसमें न तो पॉजिटिव एनर्जी है ना भी नहीं एक नेगेटिव एनर्जी है, ये न्यूट्रल पार्ट है, तो अगर न्यूट्रल पार्ट अगर एंटर मारता है ना और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो न्यूट्रल है, उसने कोई चेंज किया ही नहीं है। बट अगर गलती से ये वाला पार्ट एंट्री मारा इस आरएफ सिग्नल का और इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है और ये वाला पार्ट एंट्री मारा, तो ये तो भाई नेगेटिव एनर्जी है, ये तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को और कम कर देगा मतलब इलेक्ट्रॉन को डी एक्सलेट कर देगा, ठीक है। तो इस आरएफ सिग्नल की वजह से या तो इलेक्ट्रॉन एक्सलेट होगा या डी एक्सलेट होगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा पार्ट आरएफ सिग्नल का एंट्री मार रहा है इलेक्ट्रॉन के गुजरते वक्त। तो ये एक रामायण है जो लिखी है, मैथमेटिकल एनालिसिस में ये चीजें काम आएगी कल मतलब मंडे को, तो ये चीज थोड़ा सा समझ लेना, ये मैंने समझा दी तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी बीच में इतना तो आपने समझ लिया।
ठीक है, द इलेक्ट्रॉन विच एक्सलेट मान लो वो इलेक्ट्रॉन जो एक्सलेट हो रहे हैं चेंज विद हायर वेलोसिटी, द इलेक्ट्रॉन विच एक्सलेट विद हायर वेलोसिटी द इलेक्ट्रॉन विच एक्सलेट पासिंग थ्रू विद हाई वेलोसिटी, ऐसे लिखो पासिंग थ्रू विद हायर वेलोसिटी। इसका मतलब होता है अगर इलेक्ट्रॉन एक्सलेट हुआ तो श्योर है कि वो हायर वेलोसिटी से आगे जाएगा। क्लियर? सम इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू विद जीरो फील्ड, मैंने बताया ना न्यूट्रल वाला केस, उसकी बात कर रहा हूं। सम इलेक्ट्रॉन पास थ्रू जीरो फील्ड, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो जीरो फील्ड के साथ पास होते हैं, जीरो फील्ड, कुछ इलेक्ट्रॉन जीरो फील्ड से पास होते हैं एंड हैंस सफर्स नो चेंज इन वेलोसिटी, एंड हैंस सफर्स, उनकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, एंड हैंस सफर्स नो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब विदाउट वेलोसिटी चेंज करे सीधे निकल जाते हैं। और तीसरा केस तो जरूरत नहीं लिखने की, वो ये कि अगर मान लो डीएक्सलेट हुआ तो वो वेलोसिटी कम हो जाएगी उसकी, लो वेलोसिटी से जाएगा वो। द थिंग इज दैट द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटीज, अब जो चेंज आया ना वेलोसिटीज में, द वेरिएशन इन वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन बीम इज नोन एज वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, इज नोन एज वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना उनकी। इट इज रिजल्ट ऑफ द वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, इसका फायदा क्या मिलता है वो सुनो, इट इज रिजल्ट ऑफ द वेलोसिटी मॉड्यूलेशन ऑफ द वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रोड्यूस्ड एट द फर्स्ट गेव, प्रोड्यूस्ड ये तो छोड़ो ये लाइन को मतलब नहीं है, सीधा लिख दो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रोड्यूस्ड, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रोड्यूस्ड एट फर्स्ट गेप, जो आपको बंचर गेप था ना वो, प्रोड्यूस्ड
प्रोड्यूस्ड एट फर्स्ट गिव। एंड दीज बंचेस, इसकी यूज होता क्या है, ड्यू टू विच ड्यू टू विच बंचिंग अकर्स। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, बंचिंग हो जाती है, फिर बंचिंग अकर्स। अब इलेक्ट्रॉन बंच हो जाएंगे ना, क्योंकि उनकी वेलोसिटी बढ़ गई, कुछ की घट गई, तो जो जिनकी घट गई वो एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, बैठ जाएंगे मासूम से, शांत हो जाएंगे वो। जिनकी बढ़ गई वो अपना एक ग्रुप बना लेंगे, उनकी बंचिंग हो जाएगी, तो बंचिंग अकर्स। दीज बंचेस एंटर्स टू द सेकेंड गेम, दीज बंचेस एंटर्स टू द सेकेंड गेम। ड्यूरिंग द रोटेटिंग फेज ऑफ आर एफ फील्ड, of RF field of the Kircher resonator rotating phase of RF field of Kircher resonator, the most electron loss देखो इस प्रोसेस में तो आपने क्या करा कि उनकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया और बंच बना दिया सेकंड गैप। अब ये बंच इलेक्ट्रॉन जब सेकंड गैप में जाएंगे ना, तो ड्यूरिंग दीज बंच इलेक्ट्रॉन एंटर द सेकंड गैप ड्यूरिंग द केचर ड्यूरिंग द रोटेटिंग फेज, मतलब उल्टा फेज जाएगा इनका आरएफ सिग्नल का। ड्यूरिंग द रोटेटिंग फेज ऑफ आर एफ फील्ड, जैसे इनका फेज उल्टा हो जाएगा, ऑफ द केचर रेजोनेटर ऑफ केचर रेजोनेटर केचर ग्रिड में अब क्या होगा, आरएफ सिग्नल का फेज उल्टा हो जाएगा, देन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है ना उस ऑपोजिट फेज की वजह से लॉसेस काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस करते हैं इन क्रॉसिंग द सेकेंड गेप, या फिर इन तो मत लिखो, बाय क्रॉसिंग द सेकेंड गेप, बाय क्रॉसिंग सेकेंड गेप, मतलब केचर ग्रिड को बाहर निकलते वक्त उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत से इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो खत्म हो जाती है। फाइनली इमर्जिंग इलेक्ट्रॉन, अब जो वहां से बाहर निकलेंगे सेकेंड ग्रिड से विद रिड्यूस्ड वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी अब कम हो चुकी है क्योंकि वो लॉस कर बैठे हैं वहां पे काइनेटिक एनर्जी, विद रिड्यूस्ड वेलोसिटी फ्रॉम सेकेंड गैप आर कलेक्टेड बाय द कलेक्टर, आर कलेक्टेड बाय कलेक्टर। ये प्रोसेस है पूरी, तो पहले वेलोसिटी बढ़ानी है और कलेक्ट करने के लिए वेलोसिटी कम भी करनी है, क्योंकि कैचर ग्रिड से आपका आरएफ सिग्नल बाहर जाएगा और वो ऑपोजिट फेस में बाहर जाएगा,
इसलिए वो लॉस करवा देगा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को। जब तक उनके साथ है सिग्नल तब तो वेलोसिटी बढ़ाए रखेगा, और जैसे ही वो उनसे दूर जाएगा तो वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दिस इज द वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रोसेस, ये मेन है। ये 5 नंबर में अलग से आती है तुम्हारे एग्जाम में, इसलिए इसको अलग से भी ध्यान रखना कि होता क्या है इसके अंदर। बाकी ये अगर बड़ा सवाल आएगा तो 20 नंबर में या 10 नंबर में आएगा, तो उसमें तो ऑपरेशन के अंदर ये है ही सही, टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब इसका बचता है मैथमेटिकल एनालिसिस, वो हम लोग मंडे को कर लेंगे, ठीक है। और इसको आप एक बार देख लेना, और बाकी जो है कल वाला लेक्चर जो है आप यूट्यूब पे देख लेना, मैंने लिंक शेयर करी दिया आपको, तो आपको मिल जाएगा। अब एक बार और